राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और नतीजे 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो कर दिया है। वहीं राजस्थान में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलूम्बर, रामगढ़ सीटों पर वोटिंग होगी। 2023 के विधानसभा चुनाव के 11 महीने बाद ही इन सीटों पर फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। 7 सीटों में दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ विधानसभा सीट शामिल है। निर्वाचन आयोग की घोषणा के मुताबिक 18 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तय की गई है। वहीं नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तय की गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने विधायकों के चलते दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खींवसर और चौरासी सीट खाली हुई है। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस तो 2 पर क्षेत्रीय दल काबिज थे। बाई इलेक्शंस आल्सो, बाई इलेक्शंस वी हैव 48 एसीज एंड 2 पीसीज इन 15 स्टेट्स। दे विल आल्सो अंडरगो द elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities and some reason, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand, the same schedule. 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament, that is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day, therefore it is on 20th, and similarly for Maharashtra, except that everything would be on the during the first phase. इसी तरह बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा और कांग्रेस के विधायक जुबेर खान के निधन से सलूम्बर और रामगढ़ सीट भी खाली हुई है, जिस पर भी मतदान होगा। राजस्थान के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी ने पहले से ही इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। राजस्थान की उपचुनाव वाली 7 सीटों में महज 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। 2023 के चुनाव में बीजेपी के खाते में सिर्फ सलूम्बर सीट थी। अन्य की 6 सीटों में से 6 पर, माफ कीजिएगा, 4 पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजय रहे थे, जबकि 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP का विधायक था। 2023 के विधानसभा चुनाव में शेखावाटी की झुंझुनू सीट, दौसा, देवली, उनियारा और रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के MLA बने थे। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपकी कमेंट का इंतजार है।